आज तेलंगाना हाईकोर्ट ने एमएलएस के खरीदारी के विषय पर जो फैसला सुनाया है उस फैसला का हम स्वागत करते हैं। ये जो फैसला सुनाया गया है यह फैसला ये साफ साफ जाहिर करता है कि राज्य सरकार की तरफ से जो सिट का गठन हुआ था ये सिट जो है अपने एक इम्पार्शियल इंक्वायरी नहीं कर सकती है, ऐसा हमारी सोच है। दूसरी बात ये रही कि सीबीआई को इस केस को ट्रांसफर करने के लिए 5 पिटीशन डाले गए थे, उसमें से 3 अभियुक्तों की पिटीशन थे, एक भारतीय जनता पार्टी ने पिटीशन डाला और एक वकील ने अपनी तरफ से एक पिटीशन डाला था। भारतीय जनता पार्टी के जो पिटीशन था वो टेक्निकल ग्राउंड्स में उसको रिजेक्ट किया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पार्टी की तरफ से वहाँ अभियुक्त नहीं है। और जो दूसरे अभियुक्तों के जो लोग वहाँ पर आज सीबीआई को डालने के लिए पिटीशन डाले थे, ये पिटीशन सब पूरे अलो कर इमीडिएटली केस को सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ट्रांसफर किया जाए और सिट का जो गठन हुआ है उसको खारिज कर दिया है कोर्ट ने। यह फैसला बहुत बड़ी फैसला है, यह ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसला का हम स्वागत करते हैं।